हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सीएए के समर्थन में उतर आए हैं। सीएए के समर्थन में धूमल ने बीजेपी समर्थकों सहित सुजानपुर में विशाल रैली भी निकाली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस लोगों को गुमराह करने में जुटी है। सीएए देश के हर राज्य में लागू होगा, कोई भी राज्य इसे लागू करने में आनाकानी नहीं कर सकता। कम कपाती ठंड और बारिश के बीच भी सीएए के मुद्दे पर हो रही राजनीति ने सियासत दलों का पारा गर्मा गया है। इसी के चलते भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में सीएए के समर्थन के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर अन्य दलों द्वारा नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में उतर आए हैं। नागरिकता संशोधन बिल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए धूमल के नेतृत्व में सुजानपुर बाजार में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर लोगों को सीएए के प्रति जागरूक किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों को बताया कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी, बल्कि इस बिल से नागरिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 15 जनवरी तक इस बिल के समर्थन में लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं धूमल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के हर राज्य में सीएए बिल लागू होगा, इसे कोई राज्य लागू करने में आनाकानी नहीं कर सकता। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर लोगों को वर्ग लाने का काम कर रही है। कि राज्य सरकारें बोल रही हम नहीं देंगे अधिकार, हम नहीं मानेंगे, इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे तो बस की बात नहीं है, तुम तो हो ही कौन इसमें। सिटीजनशिप जो है सेंट्रल लिस्ट का है, केंद्र के अंडर काम आता है, केंद्र निर्णय करता है किसको सिटीजन बनाना है किसको नहीं बनाना। नहीं तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी तो सारे घुसपैठियों को बढ़ा चुकी होती। अगर प्रदेशों में काम होता तो कई प्रदेशों में बढ़ा लिया होता, जिनको सूट करते वोट मिल जाती। इसलिए पहली बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, कोई हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे कि कोई राज्य इसको लागू करेगा कि नहीं करेगा। भारत की संसद ने पास किया है, भारत सरकार को इसे मंजूरी है, राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत हुए हैं, इसलिए ये सारे देश में लागू होगा, कोई इसको हटा नहीं सकता। धूमल ने कहा कि तीन तलाक धारा 370 35 ए के हटने के बाद कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बचा था, इसलिए अब सीएए के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएए के मुद्दे पर पहले भाजपा के लोगों को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि लोगों के बीच जाकर कार्यकर्ता समझा सके। अब तीन तलाक खत्म हो गया, 370 खत्म हो गई जो टेम्परेरी थी, राम मंदिर की समस्या का समाधान हो गया, तो हमारे विरोधियों को हमारे खिलाफ बोलने को कुछ मिल नहीं रहा था। नहीं तो आपको गली मोहल्ले में कांग्रेसी आके टॉट करते थे, कब बनेगा राम मंदिर, कब खत्म होगी, 370 होता था कि नहीं सबके साथ, हर छोटा मोटा पूछता फिरता था मोहल्ले में। अब वो इशू तो खत्म हो गए, तो वो सहारा ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा जिसके साथ वो कुछ कर सके, कोई आंदोलन खड़ा कर सके। तो पहले तो आप और हम सब स्पष्ट हो जाए कि सीएए है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, किसको नागरिकता देनी है, किसको सिटीजन बनाना है, किसको भारत का नागरिक बनाना है। ये अधिकार केवल और केवल भारत सरकार का है।